आप रास्ता बनवाए हैं। कौन कम्युनिस्ट? व्हाट कम्युनिस्ट? एकदम कम्युनिस्ट राजनीति बोलिए। लगता हम कल लगता है कल जन्म लिया है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। बतावे कि का है टिकी वाला है ना, उसको टिकी धरेंगे पाकिस्तान टू बढ़िया पौन जी। कुत्ता भी भेज देंगे उसी को वोट पक्ष का। यहाँ इस जिला में कोई भी पक्ष नहीं है। सीएम मरल है, वो हमसे क्या करे राजस्थान के बतिया रहा है। क्यों गिरिराज सिंह का लोग खिलाफ कर रहा है? क्यों, क्या मामला है? मामला है कि इतना बड़ा पद मिला इस आदमी को, हजार हजार करोड़ रुपया बेगूसराय में ठूस देता, लेकिन पद का गरिमा का अनुरूप काम नहीं, इसलिए लोग शिकायत कर रहे हैं ना। अच्छा अब तो 5 साल जो क्या बतियाना है नहीं बेकार किस्ता है। जमा गया राजा क्या बतिया है आपको? महागठबंधन कुछ नहीं है, ठगबंधन है। और एनडीए का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, 7 विधानसभा में किसकी संख्या ज्यादा है, किसका विधायक पार्टी के ताप के यहाँ आए हैं, अब फिर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आ गए। आप भी तो राजा थे, आप भी राजा थे। मरने वाला आदमी को हम जिंदा नहीं करते, आप जिंदा कर 2 लाख से भी ज्यादा नहीं पार कर पाएंगे। अपने की बात जो कहे ये नौकरी नीतीश कुमार तेजस्वी मुझे ने कही है। 17 साल बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। सुनिए 17 महीना से पैसा लाएगा कहाँ से नौकरी देगा? 17 महीना में कहाँ से नौकरी आया? केसी यादव ने नौकरी देने का काम क्या और थके हुए मुख्यमंत्री को दबाने का? की जनता पसंद नहीं करती है लाल झंडा को, अब नहीं इस बात से जो है सो इनकार नहीं किया जा सकता। 3 बार बछवाड़ा विधानसभा से जीते हैं, कोई साधारण लोग थोड़े हैं हम लोग। फिर हारियो गए, सीपीआई गए चमथा से 5 विधायक मतलब क्या? देखिए और पटका में उस समय दिए हैं, सांप्रदायिकता की बात करने में उस समय दिए हैं, और 2-4 लोग जो चुनिंदा लोग हैं वहाँ समय दिए होंगे जो उनके लेवल के। क्या है वो गरीब आदमी के साथ में उस समय क्या दिए? आकाश पर से आए कोई परिवार चौधरी तब क्या हुआ? शकुनी चौधरी का पिताजी शकुनी चौधरी राजा, उसको हराएंगे तब बदला लेंगे। वो हमारा घर बेटा को गाली दिया है इसलिए। गिरिराज सिंह कौन काम बेगूसराय में किया है? उठकने का काम किया है, फर्टिलाइजर बता रहे जीर्णोद्धार, उन्हीं का देन है। बनवा देंगे देन है कृष्ण बाबू का देन। तेजस्वी जो काम किया है जनता का विश्वास है, एक एक वोट देकर तेजस्वी का हाथ। कौन जनता को पक्षी मरल है, वो हमसे क्या करे राजस्थान के बतिया रहा है? कैसे से विपक्ष का? यहाँ इस जिला में कोई भी पक्ष नहीं है। अच्छा अब तो 5 साल जो क्या बतियाना है नहीं बेकार किस्ता है। जमा गया राजा तो क्या बतिया जाएगा? नहीं आपका हैसियत नहीं यहाँ पे बेगूसराय को हैसियत अभी क्या बता? महागठबंधन कौन कहता है विपक्ष का हैसियत नहीं? क्या बता रहे आपको? महागठबंधन कुछ नहीं है, ठगबंधन है। और एनडीए का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बेगूसराय में 7 विधानसभा में किसकी संख्या ज्यादा है, किसका विधायक की संख्या ज्यादा है? ये केवल केवल ही लोग जितने वाले से ही इनका लड़का झूठा लोग बेगूसराय जनता ये कह रही है। साथी है हमारे यार जे जी के हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी को मार के यहाँ जिंदा हुए हैं। सोच समझते कि नहीं? आपका उम्र कम है, बताइए पुराने लोग से कि कम्युनिस्ट पार्टी की ताप के यहाँ आए हैं, अब फिर कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ आ गए। आप भी तो राजा थे, आप भी राजा थे। मरने वाला आदमी को हम जिंदा नहीं करते, आप जिंदा कर रहे। और जो IPL के इस सीजन को करें सेलिब्रेट कावेरी होटल हर्ष गार्डन के साथ। वॉच IPL विद डिलिशियस फूड एट रूफ टेरेस ऑफ कावेरी होटल हर्ष गार्डन। IPL लाइव स्क्रीनिंग कम वॉच एंजॉय विद कावेरी स्पेशल फूड एट होटल हर्ष गार्डन। ये कह रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को ये लोग साथ नहीं दे। जिला को अगर पुनः फैक्ट्री जो सरकार खोला है जिंदा किया है, थर्मल फर्टिलाइजर सब, अब फिर कहीं इनको सब जो गिनती गिना रहे हैं एनडीए से पहले का दिया हुआ है, ये लोग क्या बोलेंगे? इन लोगों का क्या दिया हुआ है? सब कुछ एनडीए से पहले का दिया हुआ है,
उसको रीओपन करते हैं और कह रहे हैं कि जो तापने की बात 2 लाख से भी ज्यादा नहीं पार कर पाएंगे। तापने की बात जो कहे ये तो कबूल कर लिए हैं। तापने की बात हमरे पर आरोप लगाए तो इसका मतलब के ऊपर ये आरोप लगा कर दिया कि नीतीश जी को यही ताप लिए। नीतीश जी को ताप लिए ना, नीतीश जी जी को तो तपाइए नहीं दिए मुद्दे पर थे मुद्दे जो अच्छा देखो जिला के लोग ये मानता है गया कम्युनिस्ट पार्टी का जमाना। अब पुनः ये लोग पानी नहीं देंगे, भले गठबंधन में है, हम लोग भी गठबंधन में सच्चाई बोल रहे हैं। जनता पसंद नहीं करती है लाल झंडा को। अब नहीं, 3 बार बछवारा विधानसभा से जीते हैं, कोई साधारण लोग थोड़े हैं हम लोग। फिर हारियो गए हम लोग इंडिया गठबंधन के वोट दे रहे हैं। सारे दल के लोग मजबूरी में सीपीआई नहीं, हम लोग इंडिया गठबंधन को मजबूरी सीपीआई नहीं कोई नहीं कह रहे हैं। तो हम लोग बताइए कुमार के राज महारी चक चमताब बसी सबके सड़क तटरुआ सब दिया गया। सही बात बता रहे हैं, बनाए प्रतिनिधि। अभी क्यों गिरिराज सिंह का लोग खिलाफ कर रहा है, क्यों, क्या मामला है? मामला है कि इतना बड़ा पद मिला इस आदमी को, हजार हजार करोड़ रुपया बेगूसराय में ठूस देता, लेकिन पद का गरिमा का अनुरोध काम नहीं, इसलिए लोग शिकायत कर रहे हैं ना। तो फिर चमथा से 5 बार विधायक मतलब क्या? देखिए जो ही बोले, हर आदमी का सम्मान है, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जिला के हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, हम जनप्रतिनिधि रहे हैं, हार जीत अलग विषय है, सम्मानित लोग हैं। लेकिन विषय ये न है, जिस तरह से बोल रहे हैं, अवधेश राय का चेहरा कन्हैया कुमार के लेवल का नहीं है। बेगूसराय जिले के एकमात्र बच्चों के कपड़े का शोरूम बचपन, जहां मिलेगा बच्चों के एक से बढ़कर एक वैरायटीज के कपड़े एवं सभी ब्रांडेड कपड़े एक ही छत के नीचे, यानी कि बचपन में। तो आज ही आएं अपने बच्चों के साथ कपड़ों की खरीदारी के लिए हमारे बचपन शोरूम में, जिसका पता है डाक बंगलो रोड बेगूसराय। केवल झटका और पटका में उस समय दिए हैं, सांप्रदायिकता की बात करने में उस समय दिए हैं, और 2-4 लोग जो चुनिंदा लोग हैं वहाँ समय दिए होंगे जो उनके लेवल के। क्या वो गरीब आदमी के साथ में उस समय क्या दिए हैं, क्या वो गरीब गुरबा गांव में जाके क्या कर दिए हैं? हमारे कुसमो तैसा पंचायत में सबरी माता यहाँ लगे छे गिरिराज बाबू रास्ता था, लेकिन की गिरिराज बाबू आप रास्ता बनवाए हैं एकदम। हम कल लगता कल जन्म लिए है क्या? कुछ नहीं बेगूसराय में जितना सड़क बना, बेगूसराय में जितना सड़क बना है उतना सड़क बिहार के किसी जिला में प्रधानमंत्री सड़क योजना से नहीं बना। गिरिराज सिंह मजबूरी है मगर मोदी अभी देश की जरूरी है। अच्छा राकेश सिन्हा आ जाएंगे तो फिर क्या कीजिएगा? आम जनता है ना, आप सवाल कर रहे हैं आपसे। राकेश सिन्हा आ जाएंगे तो भी जीत के भाजपा में जाएंगे, क्या कीजिएगा? दीजिएगा उनको वोट जी ना, जिसको मोदी जी कुत्ता भी भेज देंगे उसी को वोट। मोदी जी अगर कुत्ता को भी बेगूसराय से टिकट देंगे तो बेगूसराय की जनता जो है वोट देगी, यही कह रहे हैं। मैं उनके बात का समर्थन नहीं करता, जनता का रुझान है। देखिए जनता एक मिनट, जनता मालिक है और लोग अंधभक्ति में ही जनता पर रहा, अंधभक्ति में भी वोट पड़ जाएगा तो सीट मिल जाएगा। ये अंधभक्ति है, केवल गुमराह के जो सरदार हैं सब लोग, ये गुमराह के टीम के लोग हैं, लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं और कोई बात नहीं। क्या हो रहा 14 से लेकर अभी तक क्या किए हैं? केवल गुमराह। 2 करोड़ नौकरी की बात, रोजगार की बात, क्या को रोजगार दिए इसकी बात नहीं करते हैं, केवल चुनिंदा 4 लोग। अभी लालू प्रसाद यादव पर जो है आर्थ एक्ट में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जो है जारी हो गया, क्या कहिएगा बताइए? आर्थ एक्ट में उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ईडी सीजी जा रहा है, जनता जो बोल रही है आप उसको चलाइए, हमसे क्यों बनवाना चाह रहे हैं भाई? केवल विपक्ष वाले के पास, क्योंकि डरी हुई है सरकार, उनको पता है। विपक्ष उसको एगो छेद छोड़ा तब तो उसमें बालू भर रहा है। न्यायालय का लालू जी हो या लालू जाएगा, लालू यादव बिहार का शेर है, वो पिंजरा में करना चाहते हैं, लेकिन कभी शेर पिंजरा से बाहर नहीं होगा। अरुण जी बताइए, लालू प्रसाद यादव जी हो अन्यथा कोई भी हो, विधायक हो या सांसद, यदि गलत किए हैं, न्यायालय का मामला है, न्यायालय के आदेश पर जैसे गिरफ्तार किया जा रहा है, न कि जबरदस्ती गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या कहेंगे पंकज जी बताइए? और इस देश में ऐसा कानून है, हमारा नेता जो नीतीश कुमार है ना, वो कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं, इसलिए की सरकार है भाई। बिल्कुल हम किसी को फंसाते उसाते नहीं है, कानून अपना काम करता है। लगता है विपक्ष को जना हमको फंसाया जा रहा है तो वो अपना पीली दे रहे हैं, लेकिन तनियों को छेद नाव में रहेगा तभी नाव में पानी घुसेगा, इसलिए फंसने और बचाने की बात कहे है ना, ये बात सही है बोल रहे हैं बेचारे। वो
न फंसने और न फंसाने की बात करते, लेकिन बेचारे अपने फंस जाते हैं। जब आरजेडी के साथ थे आप लोग तो आपके नेता के घर पर भी जो है रेड पड़ा था, जब अलग हो गए तो रेड नहीं पड़ रहा है। हे भगवान, हमारे नेता का रेड पड़ा तो क्या हुआ हमको, क्या मिला? हम 2 महीना के बाद फिर गठबंधन में गए, 2 महीना में क्या हुआ हमारे पास? इसलिए कुछ नहीं मिला, पलट के इधर से उधर चले गए। कुछ मिलवे नहीं किया। बिहार में एक ऐसे नेता है नीतीश कुमार जी, उनके ऊपर क्यों नहीं से लेके अभी तक जो देखिए विकास की गया था और 90 से 2005 की गया था, उन लोगों को बताइए। नौकरी मतलब जो है तेजस्वी यादव, नौकरी मतलब नीतीश कुमार? नहीं, नौकरी नीतीश कुमार, तेजस्वी को लेके आया है। 17 साल बंधुआ मजदूर बना के रखे हैं। सुनिए, 17 महीना राम पंद्रह साल से नौकरी क्यों नहीं दी है मुख्यमंत्री जी? सरकार का मतलब सरकार का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री कहाँ से नौकरी देगा? तो 17 महीना में कहाँ से नौकरी आया? केसी यादव ने नौकरी देने का काम किया और थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ाने का काम की बात। ठाकुर से वोट लीजिएगा कि नहीं आप लोग? ठाकुर से वोट क्यों नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? सब लोग देगा वोट आपके। आपके तेजस्वी यादव मंच कहते हैं कि 10 गो कुआं खनवा देंगे, पानियों पिला देंगे उन लोग को, तो वोट कैसे लीजिएगा आप? सुनिए, कोई पानी की बात नहीं है, सारे लोग बताइए। हाँ तो बता रहे, एक बात बताल की तरह सड़क बनाने की बात करने वाले थे, गड्ढा था कि सड़क था पता नहीं था, नौकरी की बात कर रहे हैं। ऐसा रोड है, सड़क है, इतना चकाचक बिहार में। रतनपुर चुपस पूरा रबर का सड़क बन गया, जाके देखिए रबर का सड़क, रबर का सड़क। बताइए 18 फीट का क्या कहना चाह रहे हैं? 17 महीना में ज्योतिषी यादव रोड नाला का काम किया है, शिक्षक बहाली का काम। अरे नीतीश जी क्या बोलते हैं बता आपको, 2005 से आप लोग जानबे करते हैं जी क्या हो रहा था 2005 से, कहानी बताइए ना। अभी 2005 है, अभी 2005 है कि 2024 ना गया है कि पांचे? ये लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जो है परिवार के नेता है, बताइए। अभी इन लोगों का कहने का है, कहते रहेंगे परिवार के, उनके उनके परिवार में परिवार नहीं आता है। तो परिवार परिवार के नेता कह रहे हैं परिवारवाद की बात, तो परिवार बताइए कहाँ से आए? सम्राट आकाशपुर से आए, कोई परिवार सम्राट चौधरी हाँ हाँ, तब क्या हुआ? शकुनी चौधरी के पिताजी शकुनी चौधरी राजा हाँ, परिवारवाद नहीं हुआ सम्राट चौधरी? ठीक है, उनका कहना एक्सेप्ट करते हैं, परिवारवाद के नेता है आपके नेता एकदम, हमारा नेता, हमारा नेता रहे इंडियन जो है, कौन नेता परिवारवाद में है? आपके आपके मंच पर, आपके मंच पे एक तरफ भाई, एक तरफ बेटी, एक तरफ दूसरा भाई, एक तरफ पत्नी, बाप, बताइए पिता, अगर जो पिता का जो अरमान जो सपना है उसको, वो अधूरा सपना को मुख्यमंत्री बनना सपना खिलौना है जो सपना बेटा के मांग रहा है? झारखंड में वो मुख्यमंत्री गया जेल, एक वर्कर बूढ़ा वर्कर को बुला के बनाया मुख्यमंत्री, आप नहीं चाहते को घूर फिर अपने घर में चाहिए मुख्यमंत्री? पप्पू यादव खड़ा है कहना है हम ही बनेंगे। अरे दूसरा अति पिछड़ा का मौका दिया गया है, कौन चीज अति पिछड़ा का? सब दूसरा अति पिछड़ा का, लालू यादव तक खाली अपने परिवार में टिकट मरते, पप्पू यादव कहा टिकट दे दिया? कौन टिकट? नीतीश कुमार जी ऐसे नेता है, जब अपने हटे तो जीतल राम मांझी को बैठा इसका सीट पर, ठीक है। और बिहार के जो दशरथ मांझी है जिनको कहा जाता है माउंटेन मैन, उनको भी जो है सो अपने चेयर पे बैठाने का काम और हमदर्दी दिखाने का काम किए कि नहीं मैं परिवारवाद में किसी को देना नहीं चाहता हूँ। एक अनुसूचित जाति के ये भी शुरुआत राजदेश हुआ है, भगवतिया देवी को उठा के संसद पेट में दर्द लोग है, भगवतिया देवी कहाँ के लोग पेट में दर्द, भगवतिया देवी कहाँ के लोग, कहाँ के थे आप, कहाँ के लोग गूगल से सर्च करें, कहाँ के लोग थे आप? पत्रकार है, सवाल करने के बजाय आप प्रवक्ता बन के, प्रवक्ता नहीं बन रहे हैं, देखिए किस तरह बात कहिए तो ये आपको प्रवक्ता बना रहा है। अरे भाई जनता है, आपका काम है सवाल करना, हमारा काम है जवाब देना। उत्तम यादव को लालू यादव ने, चाय बेचने वाला उत्तम यादव थे उनका भी लालू यादव ने विधायक बनाने का काम किया है। लालू यादव गरीब वंचित शोषित का देता है, कोई सोना के चेन वाला का नेता नहीं है लालू यादव। पप्पू यादव छाड़ दिया है, पप्पू जी किसी कई चीज काट दी वहाँ जो है, पप्पू यादव कई चीज काट दी, देखिए बेकार वो अपने काट दिए जो एक ही जगह रहेंगे, हर सेटलमेंट होता है सब सब जगह होता है, उस सुपौल काहे नहीं गए? नौकरी जब मिल रहा था तो तेजस्वी जी नौकरी के बदला जैसे लालू जी जमीन, नौकरी के बदला जमीन लिए थे रेल में, वैसे नौकरी देने के बदला कुछ खोज रहे थे, बार बार खोज रहे थे और नीतीश कुमार का एरर आ रहा था का बंद करो कोच नहीं मिलने वाला है। लास्ट सवाल बताइए, कुछ बोलने का कोई है नहीं, आरोप झूठा आरोप है, ये सब गलत
17 महीना में सबक सिखा दिए कि 17 साल आपने बंधुआ मजदूर बना के रखा था, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव ने किया। किधर क्या समीकरण है बताइए आपके नेता का, अब देवराज जी को वोट दीजिएगा। नेता ही 4 लाख वोट से जीत रहा, 4 लाख वोट दीजिएगा। अरे पार वाला जो टिकी वाला है न, उसको टिकी धरेंगे पाकिस्तान टू बढ़िया पहुँचा दे, पाकिस्तान घुमा बढ़िया पहुँचा दे। जवाब दीजिए, बेटा चाहिए बाहरी बेटा नहीं चाहिए, घर का बेटा बोला आरो तैयार हो रहा है, पढ़ल लिखल बेटा तैयार हो रहा है। कौन हो रहा है? राकेश सिन्हा, राकेश सिंह को नहीं टिकट बेटा दिया है। जिला का अगर सच मायने में सर मायने चाहिए, उसको हराएंगे तब बदला लेंगे। वो हमारा घर बेटा को गाली दिया है, इसलिए घर बेटा ताकत नहीं है, कुवत नहीं है, छाती झंडा बोलिए। हम दावी कर रहे हैं छाती झंडा कर देने के, हम दावी कर रहे हैं। डर होगा राजद वाले को कोई डर नहीं है, इसलिए जितना भेजना है भेजो, नहीं जीती भी कह रहे हैं। बाहरी बेटा को भगाना है, घर का बेटा हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस कि हमारा बेटा के गाली दिया है, हम बदला लेंगे। लेकिन बेटा जिसको गाली दो बेटा चला आएगा तभी क्या करेंगे, सो जब आप पूछ लीजिए। बताइए देखिए, 5 साल बतावे गिधराज सिंह कौन काम बेगूसराय में किया है, उठकने का काम किया है। फर्टिलाइजर बता रहे जीरोधार, उन्हीं का देन है, पुलो बनवा देंगे। यदि देन है कृष्ण बाबू का देन है, वह देन है कृष्ण साहब पर गया था, बंद पर गया था, बंद जब आप लगाए तब क्या यह मोदी चालू किया है? बोले मोदी चालू किया है, कोई नहीं चालू किया है, वो भी देन है, कांग्रेस का देन है। 60,000 कितना हजार करोड़ का योजना शिलान्यास किए थे, सिमरिया आई सम हो पुल 60,000 करोड़ का है, पुल पर कितना उतरा, पुल कम हो गया, वो हमारे चाचा है, उनको पलथी मारने में कोई देरी नहीं लगता है, हम ठोस लोग है, इसलिए भतीजा भारी है, भारी है, भारी है। एक गांव नहीं जहाँ ऑफिस आके वोट देगा बिहार नहीं भाई, झारखंड से देगा। चलिए हमारे गांव में या आप ही अपना गांव का अगल बगल में गिनिए, कौन गांव में 2-4 मास्टर ने बोला है। यह देन है तेजस्वी प्रसाद यादव को। बताइए जवाब हो गया। अब चाचा भतीजा की बात इन्होंने किया है तो चाचा चाचा है, भतीजा अभी रुके, अभी बहुत बात बाकी है।